हेलो फ्रेंड्स, डीप प्लेइंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आपके सामने दिख रहा है, ये है केसियो का नंबर 1 मॉडल CTX 8017 इन, जो कि बहुत ही कम रेट में आता है और बहुत ही बढ़िया दमदार केसियो का मॉडल है। इसका वॉइस भी आपको मैं दिखा दूंगा। इसके अंदर देखा जाए तो 195 रिदम्स और 600 ट्योन है, कि उसके अंदर इंडियन टोन ट्योन भी है हमारे, और बहुत खूबसूरत आवाज है इसकी। और हम सारे के सारे वीडियो इसी कीबोर्ड में बनाने वाले हैं। और आज का वीडियो थोड़ा बेसिक वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ को केसियो को कैसे बजाया जाता है और केसियो में क्या क्या रिदम्स आती है, और वो सारा मामला आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जो पसंद आए तो वीडियो के अंत तक देखना, और पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर देना। और आपको कोई प्रश्न रह जाए तो आपको कुछ ना समझ पड़े तो कमेंट में लिख देना। अब केसियो के बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूँ कि ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट देखो, मैं कैमरा आपको दिखाता हूँ, ये पार्ट, ये है ना, ये पार्ट दिख रहा है, इसको एक सप्ताह बोलते हैं, और ये दूसरा सप्ताह बोलते हैं, और ये तीसरा सप्ताह बोलते हैं। ये थोड़ा बेस वाला आवाज आता है पहले में, पहले सप्ताह में, दूसरे में उससे थोड़ा मीडियम आता है, उसके बाद में तीव्र आता है, तार सप्तक वाला नोट है ये। ये ज्यादातर लड़कियों यहाँ से बजाती है। और तो अब मैं बात करता हूँ काले एक, मतलब ये हम मध्य से ही बजाएंगे, लड़के लोग भी यहाँ से ही बजाकर गा सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से यहाँ से बजाकर लड़के लोग गा सकते हैं। तो ये हम काली एक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो ये है, यहाँ से शुरू होता है ये सी शार्प, जो इंग्लिश में उसको सी शार्प बोलते हैं, और या गुजराती में हम काली बोल सकते हैं, हिंदी में भी काली बोल सकते हैं इसको। यो ये सा है, काली एक का, काली का सा है, फिर ये रे है, ये ग है, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा, इस तरह का कुछ होता है इसमें काली एक में। अब आप जब बजा रहे हो तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी ये ऊपर की चार उंगलियां है, ये ऊपर ही रहनी चाहिए जब बजाते हो, ऐसे ऐसे ऊपर रहनी चाहिए। और ये थंब है हमारा, अंगूठा, तो वो नीचे वो सफेद किस है उस पे अंगूठा ही छूना चाहिए। तो जब हम काली एक बजा रहे हैं तब ये देखो, मैं बजाता हूं, मेरा अंगूठा नीचे रहेगा और उंगलियां ऊपर फिरेगी, देखा कुछ इस तरह से। तो उसके वजह से आपको बजाने में बहुत आसानी होगी। तो मैं बताने जा रहा हूं, ये सा रे ग म प ध नी सा, सा नी द प म ग रे सा, ये काली एक हम ये बजा लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसकी जो सरगमें आती है, जैसे कि सा रे ग म रे ग म प ध नी प म ध सा म ध नी सा, कुछ इस तरह की सरगमें आती है। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन सी सरगम में आती है, उसके आप ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के बारे में इतना ही, बढ़िया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारी ये पहली वीडियो है, पार्ट 1।